नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। नए बस स्टैंड में बैरियर गिरने से महिला की हुई मौत। महिला अपने घर पड़खुड़ी से अपने बेटे के साथ गढ़ जाने के लिए निकली थी। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया संजय गांधी अस्पताल। पड़खुरी से गढ़ जाने वाली महिला के सर पर बैरियर गिरा, महिला की मौके पर हुई मौत। रीवा नए बस स्टैंड का है मामला। हम आपको बता दें, राजकली गुप्ता अपने बेटे के साथ अपने घर पड़खुरी से निकली थी गढ़ जाने के लिए। सब कुछ ठीक था सुबह तक। राजकली गुप्ता जैसे ही रीवा के नए बस स्टैंड पहुंची, उनके ऊपर वहां लगा बैरियर गिर गया, ऐसा कहना है वहां मौजूद लोगों का। हालांकि पुलिस कह रही है हम जांच करेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा महिला की मौत किस वजह से हुई। घटना की सूचना पाकर महिला के परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने साफ तौर से बैरियर को लेकर सवाल खड़े किए। हमारी टीम भी मौके पर मौजूद थी। हमने कुछ चश्मदीद से बात की, महिला के परिजन से बात की। समाज सर, मैं अनीता गुप्ता हूँ, ये हमारी बहन है शिवकली गुप्ता। हम तो भैया इसका राजकली गुप्ता नाम है, वहाँ से मेरी है। राजकली गुप्ता नाम है सर। और हम वहाँ से आए, इसको देखे थे, ये में घायल थे। यहाँ से फोन आ गया कि आपकी बहन की एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ दौड़े चले आए। अभी ये नहीं जानते क्या हो गया इसको। ये कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है इसका? परखुरी में है। क्या नाम है? शिवकली गुप्ता, राजकली गुप्ता जी। कहाँ जा रही थी? ये यहाँ से गढ़ जा रही थी। रमेश गुप्ता नहीं, इसकी बेटी की सेकंड मैरिज हो रही है। घाट तो मैं चूंकि मोटर मालिक हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। महिला किधर से आ रही थी? इधर से आ रही थी, इधर से। उसको बैरियर ये खींच रहा था, वो क्या नाम से बटन सिस्टम है बैरियर, अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा। महिला कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, कुछ जानकारी है? महिला जो है तो परखुरी से आई थी, गढ़ जा रही थी। वहाँ से लात के लिए आए तो पहले नहीं अंदाजे दिखे कि मौत हुई। यहाँ पर मृत्यु हुई। बैरियर गिरना किसकी लापरवाही मानते हैं? ये समदरिया की है। पूरा बस स्टैंड, हम लोग 24 गाड़ी हमारे पास है शुक्ला ट्रेवल्स में, पूरा गुंडा राज उसका चल रहा है। 14 तक भेज दिया उसने, और आप ये समझिए आम आदमी को निकलने का रास्ता नहीं है। इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इस मौत का जिम्मेदार समदरिया। मेरा नाम हीरामण शुक्ला है। भाई साहब ऑटो से बैठ, और ये समझिए आपको बता रहे हैं, गोमती से 200 रुपए का नाम से जबरदस्ती मार के उसके गुंडे लेते हैं। अगर कोई धोखा से बाथरूम कर दिया तो 500 रुपए लेते हैं। वसूली की जा रही है, वसूली की जा रही है, कौन जिम्मेदार है? समदरिया। अभी बस स्टैंड में अपने लड़के के साथ आई, और कुछ लोग बता रहे हैं कि अटैक आया, कुछ लोग बता रहे हैं कि धक्का लगा, बस में चढ़ रहा था उनका लड़का बता रहा है। मर्ग इंटीमेशन हो रहा है, उसका पीएम पंचनामा कार्रवाई होगी। कुछ लोग यहां कुछ खाली कह रहे हैं, बैरियर गिरा, सट्टे लगा है। जो भी होगा पीएम से क्लियर हो जाएगा, फुटेज भी आ जाएंगे, और जो भी देखे होंगे उनके बयान हो जाएंगे, उससे स्थिति क्लियर हो जाएगी। भैया हमारा नाम राजेश गुप्ता गुड़ है। ये महिला जिसकी मौत हुई है कौन है? ये हमारी सग चाची है। कैसे घटना हुई? घटना यहाँ पे बैरियर की लापरवाही से हुई है। हाँ। बैरियर के ठोकर से इनका एक वो एक्सपायर हो गई है झटके से। ये अभी हमारे घर से गुड़ से नहा धो के खा पी के सुरक्षित होके आई हैं। हाँ। और मेरे को यहाँ बताया गया कि बस से गिरी है और ठोकर लग गया है। ये सबसे ज़्यादा लापरवाही इस बैरियर की और यहाँ की प्रशासन की और यहाँ की सुरक्षा कर्मियों की है। महिला कहाँ जा रही थी? महिला जा रही थी गढ़। ये चोट कहाँ लगी महिला? चोट लगी है सर में। घटना स्थल पर मौत हुई है। बैरियर गिरना किसकी लापरवाही मानते हैं? बैरियर गिरना लापरवाही बैरियर काम करता की। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे कुछ भी नहीं है, बस यही हो कि जो हो न्याय वही उचित सही जांच हो। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहां? अभी कर रहे हैं जो हमारे बोल रहे हैं साहब कि पीएम कराओ पहले, उसके बाद जो होगा तो होगा।
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।